का कारण अज्ञान। हर व्यक्ति के जीवन में सुख आता है और दुख आता है। छोटा से छोटा प्राणी जिसने जन्म लिया है वो मरना नहीं चाहता है, और कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है क्योंकि, और सभी प्राणी सुख चाहते हैं क्योंकि सुख में व्यक्ति प्रमुदित रहता है, प्रसन्न रहता है, और दुख में व्यक्ति खिन्न हो जाता है। इसीलिए सभी सुख चाहते हैं, पर सुख होता क्यों नहीं है, व्यक्ति को दुख क्यों आता है, इसका कारण का पता करना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कारण के जो कार्य और कारण के सिद्धांत पर यह पृथ्वी चलती है, इट इज ए नेचर्स लॉ। The cause and effect is the nature's law। कारण और कार्य जो है ये प्रकृति का नियम होने के कारण हमें दुख के कारण को भी समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने दुख का कारण अज्ञान कहा है। सुख और दुख मात्र मान्यताएं हैं, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई वस्तु किसी के लिए सुख देती है और वही वस्तु किसी के लिए दुख भी देती है। तो इसीलिए जैसे कि कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो भोजन उसको सुख देता है, और कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो वो भोजन खा नहीं सकता, और खा लेता है तो उसको दुख पैदा होता है। तो ये मान्यता है, सुख और दुख केवल एक अज्ञान की अवस्था है, इस अज्ञान को दूर करना है। तो दुख का कारण अज्ञान है, अज्ञान को ज्ञान के द्वारा जीता जाता है। और ज्ञान क्या है कि आत्मा को समझना ज्ञान है। हमें यह समझना है कि हमारा सुख है वह आत्मा के अंदर है, और ये आत्मा अनंत सुख वाला है। इसीलिए हमें आत्मा की शरण में जाना चाहिए। परमानेंट सुख को ढूंढना है तो आत्म साक्षात करना चाहिए, आत्मा के साथ में जीने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि सुख वहां से आता है।